तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, लता से कहूँ अपनी कंप्लेन वापस ले, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। एक माँ तुम्हारे सामने अपने अपने बेटे के लिए भीख मांग रही है, तुम्हारे सामने अपने अपने बेटे के लिए भीख मांग रही है। क्या हुआ अभा, चुप क्यों है तू? तुम्हारी बहन तुम्हारा साथ मांग रही। राम राम राम। लता लता बेटा, अब तुम्हारी बहन स्वर्ण भवन की बहू हो गई है ना, अब ये तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। और वैसे भी क्यों देगी साथ, अब इसका फर्ज सिर्फ स्वर्ण भवन के प्रति ही तो है, क्योंकि ये स्वर्ण भवन की होने वाली मालकिन है। मालकिन दीदी, समझाइए आप लता को, जल्दी से शादी करके निपट ले। बस कीजिए मामी जी, जो मन में आए बोले जा रही है। आपके लिए पैसों का मोल सबसे बढ़कर होगा, पर हमारे लिए रिश्तों से बढ़कर और कुछ नहीं है। और ये इस पैसों की बात करी है ना, और से देखिए, जैसे इस सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर सच के भी दो पहलू होते हैं। एक वो सच जो हमें दिखाई देता है, और एक वो सच जो हमें दिखाया जाता है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। दीदी ने हमें वो सच कहा है जो उनकी आंखों ने देखा है, या शायद उन्हें दिखाया गया है, और हमें उस सच का पता लगाना है जिससे मानने की गवाही हमारा दिल दे। दीदी के साथ बहुत बुरा हुआ है, पर हमें पूरा विश्वास है विमल भैया ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमें या हमारे परिवार वालों को कोई तकलीफ हो। और रही बात हमारा हमारे ससुराल वालों का साथ देने की, तो ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, औरत के कई रूप होते हैं। वो किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की बहू होती है। और एक बहू होने के नाते हम अपने ससुराल वालों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। और एक बेटी और एक बहन होने के नाते हम अपने मायकों वालों के साथ भी कोई गलत नहीं होने देंगे। अगर हमारी एक माँ ने एक बेटी को जन्म दिया है, तो दूसरी माँ ने एक बहू को जन्म दिया है। ना हम इस माँ के साथ अन्याय होने देंगे, ना उस माँ के साथ कुछ गलत होने देंगे। दीदी दीदी, आपको हम पर विश्वास है ना? चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमारे साथ चलिए। हम आभा ठाकुर प्रसाद प्रण लेते हैं कि असली गुनेगार को सजा दिलवा कर रहेंगे, ऐसी सजा दिलवाएंगे कि आज के बाद कोई भी लड़की अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से डरेगी नहीं। आपकी फैमिली के तो बारे में देव से बहुत कुछ सुना है, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। देव ने तो अपने दिल की बात आपके सामने रख ही दी है, लेकिन मैं चाह रही थी कि घर के बड़ों से भी मैं मिल लूं तो सारी बातें हो जाती। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। इसीलिए उस दिन देव के प्रस्ताव का हमने तुरंत जवाब नहीं दिया, हमने यही सोचा कि आपकी सहमति लेना भी बहुत जरूरी है। दरअसल हम आपसे कोई पर्दा नहीं रखना चाहते हैं, हम अपनी बेटी की बीती हुई जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देना चाहते हैं आपको। इसलिए मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे देव ने लता के बारे में सब कुछ पहले से ही बता दिया था। लता अब इस घर की बहू बनने वाली है, मेरे बेटे का भविष्य है वो, और मैं अतीत का साया भी उसकी जिंदगी में पड़ने नहीं दूंगी। सब कुछ जानते हुए ही मैंने इस रिश्ते को मंजूर किया है। मुझे मेरे बेटे के फैसले और पसंद पर पूरा गर्व है। सच में
हमारी बेटी बहुत भाग्यशाली है जो उसे देव जैसा जीवन साथी और आप जैसी सासुमा मिलने जा रही है। कल मैं किसी जरूरी काम से हरिद्वार जाने वाली हूँ, तो मैं चाह रही थी कि जाने से पहले इनकी सगाई कर दें। इतनी इतनी जल्दी? मैं आपकी दुविधा समझ सकती हूँ, आप लता की हालत को लेके ये सब कह रहे हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, हम सारी रस्में और शादी बहुत सीधे साधे ढंग से कर देंगे। हमारे बंगाली कल्चर के हिसाब से कल हम आपके घर आएंगे और इनकी सगाई कर देंगे। माँ पिताजी आप चिंता मत कीजिए, सारी तैयारियां हम और करण संभाल लेंगे। ठीक है आभा, क्या हुआ, किस बात का शोर था? कुछ नहीं दीदी, बस आपकी सगाई पक्की हुई ना, सब बहुत खुश हैं। लीजिए आप भी मिठाई खाइए। क्या हुआ दीदी? अभाव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सगाई, ये शादी, जब भी मेरी जिंदगी में मैंने किसी खुशी की आस की है, हमेशा निराशा ही हाथ लगी है। हमारे साथ आइए, आइए बैठिए। दीदी आपको याद है, बचपन से ही आपको सजने का बहुत शौक था, हमसे भी ज्यादा। जिंदगी ने हमें एक और मौका दिया है, हम कोई कमी नहीं होने देंगे। हम आपको अपने हाथों से सजाएंगे और ऐसा सजाएंगे कि देवजी देखते रह जाएंगे। देवजी बहुत अच्छे इंसान है दीदी, और हमें पूरा विश्वास है आपकी आने वाली जिंदगी में बहुत खुशियां होंगी। जिंदगी को एक और मौका दीजिए दीदी, इस बार आपका विश्वास टूटेगा नहीं। कनिका बेटा, जरा कुछ ड्रिंक्स विच का। अरे मिसेस चटर्जी, कैसी हैं आप? ठीक है ठीक है, मुझे लगा मैं ही देर से आई हूँ, पर आपका तो शौमदी लोग अभी आए ही नहीं है। अभी आते ही होंगे, आप आइए आप आइए। इतनी बेसब्री से तो लता भी इंतजार नहीं कर रही होगी जितनी हड़बड़ी तुम है। अच्छा बता क्या पियोगी? अभी कुछ नहीं, आने तो दो उन लोगों को, फिर देखते हैं क्या खाएंगे पियेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते, कैसे हो बेटा? बस ठीक। आइए आइए, ये देखो, ये है हमारी समधन जी और ये है हमारे दामाद जी। एकी उमा, दुका 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 दुका, इतना बड़ा अमंगल आशीर्वाद समारोह में बौर भी आ गया। बहन जी यहाँ मंगल अमंगल कुछ नहीं होता, वो दोनों माँ बेटे अकेले हैं, इसके लिए दोनों साथ चले आए हैं। भाभी उनका ख्याल रखिए। लोग मुखर्जी ही है ना? बहन जी, ये रीत रिवाज ये सब तो इंसान के बनाए हुए हैं, अगर परिवार के संस्कार अच्छे हों
तो एक पिता को अपनी बेटी के लिए और क्या चाहिए। बहन जी आइए, रस्में शुरू करते हैं। अब अब हाँ जरा लता को लेकर मैं ले। से जितना सुना था उससे तुम कहीं बढ़कर खुश रहो। मछली का मिठाई में नहीं लाया शीतल, तुम्हारा शौंदी को नियम संस्कार का कुछ भी परवाह नहीं है। सगाई की तैयारियां इतनी जल्दी में हुई कि कोई कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। मच्छी की मिठाई का ऑर्डर दिया हुआ है, बस अभी आता ही होगा। कोई बात नहीं बहन जी, हो जाता है कभी कभी। अब रस्में बंगाल की हों या मध्य प्रदेश की, जरूरी ये है कि हम इन रस्मों के पीछे छुपे अर्थ को समझें। तुम इतने परेशान क्यों हो गए? सगाई जो हो रही है पसीने नहीं छूटेंगे। कहने की सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हो गया ना, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस। कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसे होता है, फिर आदत हो जाएगी। रसम शुरू करो। हाँ। बंगाली में बोधू को बौर अंगूठी नहीं पहनाता। आप लोग इतना भी नहीं जानते? नहीं, एक्चुअली माँ बंगाली नहीं है। हाँ, मेरे पिताजी बंगाली थे।
इसलिए ये सब रिवाज के बारे में हमें ज्यादा मालूम नहीं है। कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया। रीति रिवाज तो दो परिवारों को उनके दिलों को मिलाने का जरिया होते हैं, वो चाहे बंगाल के हों या हमारे मालवा के। जरूरी ये है कि दोनों परिवारों के दिल मिले। लेकिन सगाई जैसी अहम रस्म की जानकारी इस औरत को कैसे नहीं है? वही उंगली है। जमाई राजा, ये मेरी सहेलियां आपसे मिलना चाह रही है, ये सरला और ये विमला। जमाई राजा नमस्ते तो करो। नमस्ते। चल। जमाई राजा, ध्यान कहाँ है आपका? आज हमने लता को इतने अच्छे से तैयार किया है, आपका ध्यान लता से हटना ही नहीं चाहिए, मगर आप ही की नजरें कहीं और ही कड़ाए बैठे। अरे देव जी, सॉरी माँ, अब तो हम इन्हें जीजा जी बुला सकते हैं ना? क्यों जीजा जी? दीदी भी हमें थोड़ा इन्हें प्राइवेट में बात करना देना चाहिए ना। आपके लिए। जी, yes? सब ठीक ठाक है ना? हाँ, absolutely. दीदी सुंदर लग रही है ना? carry on. भगवान का शुक्र है, लता की जिंदगी में ये दिन आए हैं। देव अच्छा लड़का है। आज कितने दिनों के बाद ठाकुर जी के परिवार में इतनी खुशी का दिन आया है। मैं अभी आया। जी कनिका, I'll call you back. जी पापा। घर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और तुम फोन पे लगी हुई हो। जिम्मेदारियां उठाना तो दूर, तुम तो उनका हाथ तक नहीं बटा रही हो। दिस इज नॉट राइट पापा। वो तो आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हुई, नहीं तो लता दीदी ने जो विमल भैया के साथ किया है ना, उसके बाद मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखी। अपने बेटे की चिंता मुझे भी है कनिका, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी रिश्तों से मुंह मोड़ लिया जाए। जब सच्चाई सामने आएगी सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल मैं तुमसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे दिल में लता के प्रति जो नफरत पैदा हुई है वो निकाल दो, और एक बहू होने के नाते इस घर में जो तुम्हारा फर्ज है उसे निभाओ। ठाकुर साहब, हमें इजाजत दीजिएगा, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद। अकील साहब, इतना सब हो जाने के बाद भी आप यहां आए, हमारा सम्मान बढ़ाया, बहुत आभारी। ठाकुर साहब, आपके और हमारे परिवार के बीच यह नाता इतना कमजोर नहीं है कि एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से टूट जाए।
जानते हैं, ना ही लता के मन में कोई पाप है और ना ही विमल के, बस परिस्थितियां विपरीत हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बेटा तुम लोग घर चलो, मैं एक वकील से मिलकर आता हूँ। जी बाबा। पिताजी, लता दीदी और विमल भैया दोनों के साथ इंसाफ होगा। ट्रस्ट मी। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं भाभी? अगर आप हमसे नाराज हैं तो डांटिए हमें, गुस्सा कीजिए, यूं कटकर मत रहिए हमसे। आज हमारी बहन की जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई हैं, और अगर आप इस खुशी में शामिल नहीं होंगे तो ये खुशी अधूरी रह जाएगी भाभी। विमल, जिस परिस्थिति में है आप, उसमें मैं चाह कर भी तुम्हारी खुशी में शामिल नहीं हो सकती। और जिस बहन की सगाई की खुशी मना कर तुम आ रही हो, उसी बहन की वजह से अस्मि और विमल का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। एक पल के लिए शायद ये तुम भूल सकती हो आभा, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। भाभी, आप और हम अलग कब से हो गए? याद है आपने कहा था, आभा तुम इस परिवार की, इस स्वर्ण भवन की नींव हो, आपके बिना तो ये नींव भी कमजोर पड़ जाएगी। हम अपनी बहन की खुशियों में खुश हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम विमल भैया से किया हुआ वादा भूल गए। हम पर भरोसा रखिए भाभी, हम उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। ठीक है, आपको विश्वास नहीं ना हम पर, तो हम वादा करते हैं, हम तब तक आपके सामने नहीं आएंगे जब तक विमल भैया को इंसाफ न दिला दे। तब तक अपनी देवरानी होने का हक नहीं मांगेंगे जब तक हम विमल भैया को निर्दोष न साबित कर दे, नहीं आएंगे। अब क्या है, तुमने कैसे सोच लिया कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं? मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है अब। तो आपने ऐसा क्यों? अब मैं क्या करूं? मैं जब भी अस्मि और विमल की तरफ देखती हूं तो मुझे बहुत खराब लगता है आभा। तुम समझते हो ना? समझती हो ना माँ? अजीब सी घबराहट हो रही है, पता नहीं ऑफिस में लोग कैसे पेश आएंगे हमारे साथ। मुझ में किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं है माँ। लता, तुम ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? तुम तो हिम्मत की मिसाल हो सब लड़कियों के लिए, और तुम क्यों डरती हो? डरते वो लोग हैं जिसने गलती की हो। हम समझते हैं आज तुम्हारा पहला दिन है, हम चलते हैं तुम्हारे साथ।
अरे बेटा देखा तुम कितनी खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसी मां मिली। हमेशा ढाल बनी रहती है तुम्हारी, आज भी बिल्कुल बच्चों की तरह ध्यान रखती है तुम्हारा। राघव, बच्चे चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, माँ बाप के लिए तो हमेशा बच्चे ही रहते हैं ना। बेटा, तुम्हारी माँ और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हमारे रहते हमारी बेटी को कोई कुछ कहे, हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। भैया, आपको याद है जब फैक्ट्री में आग लग गई थी, तब करण एकदम हताश हो गए थे और आप करण का सबसे बड़ा सहारा बने थे। बड़ा भाई होने का फर्ज निभाया था आपने, तो आज आप करण को मौका नहीं देंगे अपने बड़े भाई का साथ देने के लिए? भैया, आप सिर्फ इतना बताइए, आप मुझ पर भरोसा करते हैं या नहीं करते? जान से भी ज्यादा करते हैं ना। बस ये सब कानूनी बातें हैं, असली बात तो ये है कि हम में से कोई भी ये नहीं मानता कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। भी मानता हूं। और जिस किसी ने भी ये किया है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उसे सजा दिला के रहूंगा, हम उसे पकड़ेंगे। बस धीरज रखिए, हिम्मत रखिए। मैंने तो कुछ नहीं, हम ये जानते हैं। अब बस मेरे पुराने वाले विमल भैया बनिए और देखिए अश्मि कितना रो रही है, उसने नाश्ता भी नहीं किया। देखिए अश्मि, जाओ पापा के पास, जाओ पापा के पास जाओ। आपने नाश्ता नहीं किया? हाँ, आपने नाश्ता नहीं किया? अब सारे भाई एक जैसे, बस एक दूसरे की बात ही मानता है। हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है भाई। चलो मुझे भी थोड़ी भूख लगने लगी, पापा को भूख लगी। अरे हमारा बना। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मैं ग्रीन रोड कोरियर से कॉल कर रहा हूँ। मैम, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे के लिए आपसे कुछ सवाल पूछना था। हाँ बोलिए। मैम, हाल ही में जर्मनी से जो कोरियर आया था, क्या वो आपको टाइम से डिलीवर हो गया था? यहाँ तो कोई कोरियर नहीं आया। लेकिन कोरियर तो डिलीवर हो चुका है। क्या? हेलो, वो कुरियर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें तन्वी की बर्थ सर्टिफिकेट्स और डीएनए रिपोर्ट्स हैं। वो अगर हमें मिल जाएगा तो हम कोयल की सच्चाई सबके सामने लाने में कामयाब हो जाएंगे। पता नहीं कल मेरे मन में देव को लेकर शंका क्यों पैदा हुई। ये लड़का तो सचमुच बहुत अच्छा है। अरे, इसका टिफिन रिसेप्शन पे छोड़ देते हैं। बहन जी, आप हमारा एक काम करेंगी, हमारी बेटी का डब्बा रह गया है, आप उन्हें दे देंगी? जी। एके से मिलना। कौन एके? एके, मैं कंपनी के बॉस से मिलना चाहता हूँ, मेरा यार है वो। कहो कि आहुजा है। सनी आहुजा। सर, कोई सनी आहूजा आए हैं, अजीब सी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ का बॉस एके है, उससे मिलना है। ओके सर, आपको बॉस ने अंदर बुलाया है, आप उस तरफ चले जाइए, लास्ट कैबिन। थैंक यू। ये एके कौन है? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।